नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। धनबाद के गोविंदपुर में प्रेम प्रसंग का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आमतौर पर पौष महीने में खरमास की वजह से हिंदू समाज में शादी विवाह नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि कोला कुसमा स्थित शिव मंदिर में पौष महीने में प्रेम विवाह पंचायत प्रतिनिधियों की देखरेख में संपन्न हुआ। घटना के संबंध में बताते चले कि कालाडीह गाँव के युवक सोनू गोप का जियलगढ़ा की युवती से पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही युवक को पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और लग गई है, तो उसने अपनी प्रेमिका के ससुराल वालों को ये कहकर विवाह तोड़वा दिया कि वो उस लड़की से प्यार करता है। तब प्रेमिका के घर वालों ने युवक पर अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत गोविंदपुर थाने में कर दी। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो दोनों पक्षों के बीच समझौता का दौर शुरू हो गया और ये लगभग एक महीने तक चलता रहा। अंततः पंचायत में दोनों की शादी सराय ढेला के एक शिव मंदिर में आज करवा दी। विवाह के मौके पर पंचायत के जन प्रतिनिधियों के अलावा वधू पक्ष के तमाम लोग मौजूद रहे, जबकि वर पक्ष ने विवाह से दूरी बनाए रखा। वहीं मुखिया ने बताया कि बीते कुछ दिनों से दोनों लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस बीच दोनों तरफ से गार्जियन को इसकी जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद पंचायत के द्वारा दोनों का बैठक कराया गया, मीटिंग कराई गई। बैठक में दोनों लड़का पक्ष और लड़की पक्ष की सर्वसम्मति बनी कि हाँ, लड़के और लड़की ने गलती की है। उसके बाद दोनों की शादी करने के लिए दोनों पक्ष से राजी हुए और आज विधिवत हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई। মন্দির আর কি হবে, কিন্তু হচ্ছে এই বহুত যখন যেমন যখন যেমন বহুত মাসে বিয়া হয়েছে, তুমি পোটা করে না কি হবে। विगत कुछ दिनों से ये लड़का लड़की का दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस बीच जो है दोनों तरफ के गार्जियन को इसकी जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद जो है हम पंचायत के द्वारा दोनों का बैठक कराए। बैठक में दोनों लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों का सर्वसम्मति बना कि भाई चलिए, मेरा लड़का गलती किया है। लड़की वाला भी स्वीकार किया कि हम दोनों शादी करने के लिए राजी हैं और आज ये विधिगत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये दोनों का शादी आज कोला कुसमा शिव मंदिर में हो रहा है। कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? देखिए, पूरी फिक्स जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन विगत 6 महीना से इधर हमको लोग जैसे सूचना दिए इनके गार्जियन के माध्यम से ही हम कर रहा हूँ कि 6 महीना से इन लोगों का ऐसे तो जैसे कि सुनने में आ रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि साल भर से था कुछ था, लेकिन इधर हमको डिटेल जानकारी 6 महीने से है। बदमाशी भी की थी? खेल लड़का बदमाशी किया ये तो वही लोग जाने, पर वहाँ गया नहीं गया इसकी जानकारी मुझे पूरा डिटेल नहीं है। सुनने में आ रहा है कि जहाँ लड़की की शादी लगी थी वहाँ पर इसे फोन करके सुनने में आया है। देखिए, सुनने में आया है, परंतु ये हम पूरा साक्ष्य के साथ नहीं कह सकते हैं कि लड़का थोड़ा क्या किया नहीं किया, इसकी जानकारी मुझे पूर्ण रूप से नहीं है, चूँकि हम तो जलढ़ा गाँव में नहीं हैं, तो पंचायत के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली। प्रेम प्रसंग का मामला है जिसमें आपका कालाडी का लड़का है और जलगढ़ा का लड़की है, दोनों के बीच में कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको हम लोग को कुछ दिन ही हुआ जो पता लगा। इसी बीच में हम लोग का मुखिया जी हैं, हम लोग हैं गांव के गणमान्य व्यक्ति के बीच एक बैठक हुआ। बैठक में ही निर्णय लिया गया कि इन लोगों का शादी कर दिया जाए, तो वही आज शादी हो रहा है इन लोगों का। ये लड़की का सुनने में आ रहा है कि शादी कहीं फिक्स हो गया था? शादी फिक्स हो गया था, लड़के का शादी होने भी वाला था, अगहन में ही शादी हो जाता है अगहन महीना में, लेकिन वो लड़का का बदमाशी के चलते ये शादी नहीं हो पाया। लड़का प्रेम करता था, वो चाहता था कि हमें से शादी हो, तो ये हम लोग का बैठक में निर्णय लिया गया, तो शादी हो रहा है। वहीं प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया कि पिछले 6 महीने से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।